काली काली देवी वह भयानक हैं जिनका एक भयानक चेहरा है। उनका ध्यान करना चाहिए, जैसे कि उनके बाल और ताजे कटे हुए मानव सिर की माला हो। इनकी चार भुजाएं हैं। अपने ऊपरी बाएं हाथ में वह एक तलवार रखती है जो अभी अभी है उनके निचले बाएं हाथ में रखे कटे हुए सिर से खून बह रहा था। उनका ऊपरी दाहिना हाथ आश्वासन का इशारा करता है और उनका निचला दाहिना हाथ हाथ से एहसान देने का संकेत। उनका रंग नीला है और वह काले बादल की तरह चमकदार है। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र है और उनका शरीर चमक रहा है। खून बह रहे कटे सिरों की माला से उनके चारों ओर खून बहाया जाता है। उनकी गर्दन के चारों ओर उनके कान के गहने बच्चों की लाश है। उनके दांत भयानक है और उनका चेहरा भयंकर है। उनके स्तन बड़े और गोल है और वह कटे हुए मानव हाथों से बनी एक गड्डी पहनती है। खून टपकता है उनके मुंह के कोने और उनके चेहरे को चमकदार बनाते हैं। वह एक भयानक आवाज करता है और शमशान घाट में रहती है जहां वह हॉलैंड से घिरी हुई है सियार। वह एक लाश के रूप में शिव की छाती पर खड़ी है, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति। वह मुस्कुराती है। वह एक काले बादल की तरह चमकदार है। काली काली देवी वह भयानक है जिनका एक भयानक चेहरा है। उनका ध्यान करना चाहिए, जैसे कि उनके बाल और ताजे कटे हुए मानव सिर की माला हो। इनकी चार भुजाएं हैं। अपने ऊपरी बाएं हाथ में वह एक तलवार रखती है जो अभी अभी है उनके निचले बाएं हाथ में काले कपड़े पहनती है। उनकी जीभ सूख जाती है। उनका चेहरा देखने में भयानक है। उनकी आंखें धस गई हैं और वो मुस्कुराती है। वो स्त्री अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है और नागों से सजाती है। वो शराब पीती है और 50 मानव सिरों की एक माला पहनता है जो पूरे रास्ते लटका रहता है। घुटनों के बल लेट जाओ। उनका एक बड़ा पेट है और 1000 फन वाला नागिन अनंत उनके सिर के ऊपर मंडराता है। शिव उनके बगल में एक लड़के के रूप में मौजूद है। वो एक जोर से हंसने की आवाज करती है, बहुत भयानक है लेकिन आकांक्षी की इच्छाओं को प्रदान करती है। वो कोलिरियम के पहाड़ की तरह है और उनका निवास दाह संस्कार के मैदान में है। उनकी तीन लाल आंखें हैं, उनके बाल झड़ गए हैं और वो भयानक है उनके क्षुब्ध शरीर के कारण। देखो, अपने बाएं हाथ में वो एक जार भरा हुआ रखती है मांस के साथ मिश्रित शराब और अपने दाहिने हाथ में वो एक ताजा कटा हुआ सिर रखती है। वो कच्चा मांस खा रही है। वो निर्वस्त्र है, उनके अंगों से सजी हुई है गहने। वो शराब के नशे में है और वो मुस्कुराती है। हालांकि महाविद्याओं का क्रम, संख्या और नाम अलग अलग हो सकते हैं, काली हमेशा शामिल किया जाता है और आमतौर पर पहले नाम दिया जाता है या दिखाया जाता है। वो भी पुष्टि की जाती है कई स्थानों पर महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण आदिम या प्राथमिक महाविद्या महाविद्या। कुछ मामलों में ऐसा लगता है स्पष्ट है कि अन्य महाविद्याएं काली से उत्पन्न होती हैं या उनके अलग अलग रूप हैं। महाविद्याओं की उत्पत्ति के विवरणों में से एक में एक समूह ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे काली से उत्पन्न होते हैं जब शिव चाहते हैं। महाभगवत पुराण में दिए गए मूल विवरण में सती एक देवी का रूप लेती है जो वास्तव में काली से मिलती जुलती है। खुद को 10 महाविद्याओं में गुणा करें। हालांकि काली का विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है, सती पहले एक अंधेरे भयावह नग्न चार सशस्त्र में बदल जाती है। कटे हुए बालों और खोपड़ियों की माला के साथ देवी काली को आमतौर पर वर्णित किया जाता है और फिर खुद से अन्य रूपों का निर्माण करती है। इनके अलावा सती के शिव के साथ टकराव के शुरुआती विवरणों में अपने पिता के बलिदान में भाग लेने का अधिकार विवरण, जिसमें महाविद्याएं शामिल हैं, प्रकट सती स्वयं को काली में बदल लेती है और अपने काली रूप में शिव को उन्हें जाने देने के लिए मनाती है। शक्ति समगामा तंत्र काली की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से घोषित करता है। महाविद्याओं सिद्धि विद्याओं सहित देवताओं के लिए विद्या और उपविद्याएं अलग अलग रूप हैं जिन्हें काली मानती है। 8 प्राथमिक महाविद्या के रूप में काली का स्थान देवियों में प्रथम इस तथ्य से प्रबलित है कि वो समूह को अपनी विशेषताओं के रूप में देती है। चरित्र गुण और प्रकृति दूसरों द्वारा साझा की जाती है। वो इस महाविद्या के रूप में विशिष्ट शायद आदर्श भी है और उनका प्रतीकात्मक अर्थ मुझे लगता है अक्सर इसके अर्थ को उजागर करने में मदद करता है समूह में कुछ अन्य देवियां। जैसा कि हम नीचे देखेंगे, कुछ व्याख्याओं के अनुसार काली अन्य महाविद्याओं में सुझाए गए या निहित अंतिम लक्ष्य को प्रकट या प्रतीक करती है। वो दूसरों को पूरा करती है जैसे वो थी,